हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड 2020। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, और ये करंट अफेयर्स जो मैं कवर करा रहा हूँ ये आगे आने वाले एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कोई भी मेरा नया वीडियो आए तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का अपना पहला टॉपिक है गणतंत्र दिवस की परेड में सेना की पुरुष बटालियन का नेतृत्व पहली बार महिला सैन्य अधिकारी कैप्टन तान्या शेरगिल ने किया। तो देखिए, इस बार ये पहली बार किसी पुरुष बटालियन का जो नेतृत्व किया है वो किसी महिला सैन्य अधिकारी ने किया है, और ये देखिए इनका नाम है तान्या शेरगिल। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम हो गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग को इसका याद रखना है। देखिए, मैं इसकी चर्चा तो पिछले एक दो वीडियो में आपको बताता आ रहा हूँ, यही नीचे एक पॉइंट मैंने लिख भी दिया इसमें कि यह पहला मौका था कि पीएम ने पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, देखिए मैंने नेशनल वॉर मेमोरियल आपको बता रखा है पहले, पर शहीदों को नमन किया। इससे पहले इंडिया गेट पर अमन जवान ज्योति जाकर शहीदों को नमन करने की परंपरा थी, तो ये चीज भी इस बार पहली बार हुई है। तो ये भी इस बार इंपॉर्टेंट हो जाती है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से इस बार स्टार्ट हुआ है, जो हर साल होता था वो होता था अमर जवान ज्योति स्मारक से। ठीक है, और भी देखिए इसमें एक चीज और है कि पिछले साल 25 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने ही राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन भी किया था। तो मतलब जहां इस बार अपनी गणतंत्र दिवस की परेड स्टार्ट हुई थी, मतलब श्रद्धांजलि दी गई थी जहां पे, वही पिछले साल मतलब 25 फरवरी 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने ही इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, और इस बार देखिए एक चीज नई और हुई है, वो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये जनरल बिपिन रावत जी। ठीक है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट में चलते हैं। अगला पॉइंट है भारत तिब्बत सीमा पुलिस इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ये आईटीबीपी के जवानों ने बर्फ का रेगिस्तान कहे जाने वाले लद्दाख में 17,000 फुट की ऊंचाई पर -20 डिग्री सेल्सियस तापमान और बर्फबारी के बीच तिरंगा फहराया। देखिए, ये मैंने केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये मतलब ये पॉइंट लिया है कि मैं थोड़ा आईटीबीपी के बारे में आपको बता सकूं। तो आईटीबीपी का देखिए मैंने नीचे बता रखा है कि सेना का गठन जो है ये 24 अक्टूबर 1962 में 1962 में हुआ था। ठीक है, और इसका रेंज देख लेते हैं। देखिए ये कहाँ से कहाँ तक मतलब सेवा जो प्रोवाइड करती है वो उसका रेंज कितना है, ये है देखिए वर्तमान में आईटीबीपी को लद्दाख के काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जचेप लॉ तक 3,488 किलोमीटर तक फैली भारत चीन सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, काराकोरम दर्रा से स्टार्ट होता है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका कवर हो सकता है कि काराकोरम दर्रा कहाँ पे है, तो देखिए लद्दाख में है। ठीक है, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई थी। अच्छा, इसके महानिदेशक वही डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल ये हैं सुरजीत सिंह देसवाल जी। ठीक है, तो ये भी इस बार के लिए इम्पोर्टेंट नाम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं कि 1950 में गणतंत्र दिवस समारोह जब पहली बार अपने गणतंत्र दिवस मनाया गया था वो 1950 में मनाया गया था, तब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। ठीक है, सुकर्णो मुख्य अतिथि। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इस साल मतलब 71st जो रिपब्लिक डे मनाया गया है इस बार, उसके मुख्य अतिथि कौन थे। ठीक है, और देखिए एक चीज और लिखिए कि 1950 से 54 के दौरान गणतंत्र दिवस समारोह अलग अलग जगहों जैसे इरविन स्टेडियम, किंग्सवे, रेड फोर्ट और रामलीला मैदान पर होते थे। अब तो हर साल केवल राजपथ पर ही होता है, राजपथ पर हर साल गणतंत्र दिवस की परेड वगैरह जितने भी समारोह होते हैं सब वहीं पे होते हैं। ठीक है, ये देखिए 1950 से 54 के दौरान 2-3 जगह में होते थे, तो मैंने वो चीज़ें आपको बता दी है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। ठीक है, देखिए ये तो पहली बात तो सिटी ऑफ जॉय, ये देखिए निक नेम किसका है, कोलकाता का है, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र कौन सा सिटी बना है, ये हो गया कोलकाता।
अब इसमें थोड़ा सा मैंने डिस्क्रिप्शन करके आपको बता दिया है कि देश के सभी मेट्रो शहरों की तुलना में सिटी ऑफ जॉय में अप्रैल 2019 से दिसंबर 2019 के दौरान सबसे अधिक विदेशी पर्यटकों की वृद्धि देखी गई। ये वृद्धि कितनी है? 13.33% हुई है। और वृद्धि के साथ अब कितने कुल पर्यटक हो गए हैं? ये थे 20.3 लाख, 20.3 लाख पर्यटक, ठीक है, जिनका आगमन कोलकाता सिटी में हुआ था। तो देखिए यहाँ पे कोलकाता आया है, तो कोलकाता देखिए किस स्टेट की कैपिटल है? ये देखिए वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। तो आज का जो हमारा मेन जो टाइटल, मतलब जो आपने अभी उसमें देखा होगा थंबनेल में कि वेस्ट बंगाल के बारे में मैंने आज यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया है, तो देखिए आज चलिए स्टार्ट करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। तो वेस्ट बंगाल का कैपिटल पता चल गया, सीएम ममता बनर्जी, ये भी काफ़ी चर्चित नाम है, आप लोग को पता होगा, ठीक है, ममता बनर्जी। उसके बाद गवर्नर भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। गवर्नर हैं जगदीप धनगढ़ जी, जगदीप धन खड़ जी, ठीक है। और देखिए आप लोग ने कमेंट करके एक चीज़ और बताने के लिए बोला था कि सर डिस्ट्रिक्ट, लोकसभा, राज्यसभा सीटें भी बता दिया करिए, तो मैं यहाँ पे बता दूँ 23, 23 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लोकसभा सीट्स जो हैं वो 42 हैं, राज्यसभा सीट्स ये 16 हैं, ठीक है। और विधानसभा सीट भी देख ही लेते हैं, विधानसभा सीट हैं 295, जिनमें से 294 तो मतलब चुन के आते हैं, और एक जो होता है वो एग्लो इंडियन के लिए होता है। और इसमें देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स कि जो कैलकटा है, कैलकटा इसको भारत की कल्चरल कैपिटल भी बोला जाता है, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया। और इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि जो वेस्ट बंगाल में यूनेस्को की दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनके नाम देख लेते हैं। वो हैं एक तो सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, और जो दूसरा है वो है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग हिमालयन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ठीक है, रेलवे, ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है। और बंगाल से रिलेटेड कहीं बात करूँ तो यहाँ पे एक नदी बहती है जो है दामोदर नदी, दामोदर नदी। मैंने यहाँ पे इसका नाम क्यों जिक्र किया, दामोदर रिवर का, क्योंकि इसको बोला जाता है सौरो ऑफ बंगाल, क्योंकि इस पे बाढ़ वगैरह बहुत ज़्यादा आती रहती है, सौरो ऑफ बंगाल। अब यहाँ देखिए कहीं नेशनल पार्क, अभी देखिए वर्ल्ड यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में एक देखिए आया था अभी नेशनल सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन। तो और जो नेशनल पार्क्स हैं उनको भी देख लेते हैं। एक है देखिए बुक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है, एक है गोरुमारा, गोरुमारा नेशनल पार्क, अगला है न्योरा, न्योरा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, और एक और है वो है सिंघालीला, सिंघालीला नेशनल पार्क, ठीक है। और कहीं कलकत्ता की बात करें तो देखिए जो इंडिया की जो फर्स्ट मेट्रो थी, फर्स्ट मेट्रो वो चलाई गई थी कलकत्ता में, कोलकाता, ठीक है। और जो इंडिया की जो पहली अंडर वाटर जो ट्रेन या मेट्रो चलेगी, मेट्रो चलेगी जो अंडर वाटर, वो भी कलकत्ता में होगी। और इसमें देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर का, फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर एयरपोर्ट, वो भी वेस्ट बंगाल में ही है, प्राइवेट सेक्टर एयरपोर्ट। और उसका नाम क्या है प्राइवेट सेक्टर एयरपोर्ट का, जो भारत का जो पहला एयरपोर्ट है उसका नाम है काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट, ठीक है, काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट,
कुछ देखिए फेमस पर्सनालिटीज़ की, कहीं वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो देखिए सबसे ज़्यादा फेमस नाम सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये नोबेल प्राइज़ इनको 1913 में मिला था। किसके लिए मिला था? लिटरेचर में इनकी एक है गीतांजलि कृति, उसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए। ठीक है, और कहीं नाम कहीं बात करें तो देखिए अभी एक और हैं, अभिजीत विनायक बनर्जी जी, अभिजीत विनायक बनर्जी जी, इनको भी नोबेल प्राइज़ इस बार का मिला है 2019 में, इनको मिला है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभिजीत विनायक बनर्जी जी का नाम आया है। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि इनको प्रेसिडेंसी कॉलेज, जहाँ की एलुमिनाई हैं, एक एक अवार्ड देगी इस साल, वो है अतुल चंद्र गुप्त, अतुल चंद्र गुप्त मेमोरियल अवार्ड, मेमोरियल अवार्ड। ठीक है, अतुल चंद्र गुप्त मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा अभिजीत विनायक बनर्जी जी को। और कई फेमस पर्सनालिटीज़ को याद करें तो देखिए स्वामी विवेकानंद भी यहीं के थे, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने अपना राष्ट्रगीत लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनकी जो कृति है आनंदमठ, उससे अपना राष्ट्रगीत लिया गया है। और कहीं बात करें तो आपको मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आप लोग जानते होंगे सौरभ गांगुली। ठीक है, सौरभ गांगुली ये भी कैलकाटा के ही हैं, मतलब कैलकाटा कह रहे हैं, वेस्ट बंगाल के ही हैं। और लिएंडर पेस, टेनिस खिलाड़ी जो अपने हैं लिएंडर पेस, ये भी वेस्ट बंगाल के ही हैं। ठीक है, तो बाकी और भी लोग होंगे, मैंने यहाँ पे देखिए मेन मेन आपको जल्दी जल्दी बताने के लिए, देखिए मेन मेन मैंने सब कवर करा दिया है। बाकी कहीं मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे स्टेडियम भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और प्रीवियस ईयर में आए भी हुए हैं। एक है देखिए ईडन गार्डन स्टेडियम, ईडन गार्डन, ठीक है, ये भी देखिए कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। और एक है सॉल्ट लेक, सॉल्ट लेक स्टेडियम, ये भी वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, अच्छा जो बंगालियों का जो न्यू ईयर होता है, न्यू ईयर उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पोइला वैसाख, पोइला वैसाख। ठीक है, पोइला वैसाख बोलते हैं। ये कब होता है? ये अप्रैल के मिड में स्टार्ट होता है, ऑलमोस्ट अप्रैल के मिड में, 15 अप्रैल के आसपास। ठीक है, देखिए वेस्ट बंगाल के बाद मैंने ऑलमोस्ट देखिए जितना मेरे से कवर होना था मैंने ऑलमोस्ट सब कवर कर दिया है वेस्ट बंगाल के बारे में। केवल फोक डांस यहाँ पे बचता है और स्टेट फेस्टिवल बचता है, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक फोक डांस की बनाऊंगा जिसमें मैं इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उसके फोक डांस कवर करूंगा और स्टेट फेस्टिवल्स कवर करूंगा। ठीक है, तो आप लोग उसकी दिक्कत मत लेना, बाकी मैंने ऑलमोस्ट देखो सब कुछ कवर यहाँ करा दिया है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है टूनीशिया की ओनस जुबैर, ये जो नाम है, किसी ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली अरब देशों की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, अभी कौन सा ग्रैंड स्लैम हुआ है? सबसे पहले आपको ये याद रखना है ऑस्ट्रेलियाई ओपन हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है। देखिए अभी साल स्टार्ट हुआ है तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन हुआ है, उसके बाद कौन सा होता है? फ्रेंच, उसके बाद होता है विम्बलडन, उसके बाद होता है यूएस ओपन। ठीक है, तो इसको याद कैसे किया जाए? सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कैसे याद किया जाए कि आसानी से याद हो जाए। तो देखिए मैं आपको एक ट्रिक, क्या मतलब ऐसी चीज बता रहा हूँ ना कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। देखिए बस आप देखो वर्ल्ड का मैप आपको केवल माइंड में एक बार होना चाहिए। देखो मैं आपको वर्ल्ड का मैप दिखाता हूँ, ये देखिए वर्ल्ड का मैप है। अब आप लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड से स्टार्ट हो जाओ। देखो मैंने ये जो दिखाया है ये राइट हैंड साइड में, एक मिनट ये थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ राइट हैंड साइड में देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है ये देखिए राइट हैंड साइड से कहीं हम लोग कहीं यहाँ से कहीं कवर करने स्टार्ट करेंगे तो देखिए वर्ल्ड के मैप पे सबसे पहले सबसे राइट हैंड साइड में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपको दिखा ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले पड़ता है राइट हैंड साइड से। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए पड़ता है यहाँ पे, ये पड़ता है पहले फ्रांस, फ्रांस, उसके बाद ये पड़ता है लंदन, और उसके सबसे लास्ट में पड़ता है ये यूएसए। और इसी सीक्वेंस में ना ये ओपन भी होते हैं सारे, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो देखिए यहाँ पे हुआ, उसके बाद चल के ये पहुंचेंगे फ्रेंच ओपन, उसके बाद विम्बलडन ओपन, और उसके सबसे लास्ट में आता है यूएस ओपन।
ठीक है, कहीं आप कहीं वर्ल्ड का मैप आपके कहीं दिमाग में कहीं बना हुआ है, तो यकीन मानिए आपको याद करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी कि कौन सा ओपन, मतलब जो ग्रैंड स्लैम होता है, पहले होता है। ठीक है, कहीं आपको कहीं वर्ल्ड का मैप दो क्लियर है तो मैं एकदम दावा कर सकता हूँ आपको ये चीज़ अब तैयार हो चुकी है। तो और भी इसमें देखिए जो टेनिस के बारे में कुछ चीज़ें हैं इस बार का, देखिए पहले किसने जीता है ये देख लेते हैं। ये देखिए ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 के विनर हैं, देखिए विमेन में जो सिंगल्स में जीती हैं वो हैं सोफिया कैनन जी, और मेंस में जीते हैं नोवाक जोकोविक जी। ठीक है, देख लीजिए आप, इन लोग की फोटो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगा रखी है। और जो लोग भी कहीं इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप लोग मेरे को वहाँ पे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड 2020 नाम से भी है मेरा अकाउंट, तो आप लोग वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं वहीं पे ऊपर। ये देखिए चार साइन मैंने यहाँ मतलब दिखा दिए हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विम्बलडन, और लास्ट में यूएस ओपन। और यहाँ पे देखिए ट्यूनिशिया अब आया था, तो ट्यूनिशिया की राजधानी देख लेते हैं, ये है ट्यूनिस, मुद्रा होती है दिनार। ठीक है, अब आपको कहीं मैं थोड़ा सा टेनिस के बारे में और बताना चाहूँ, तो पहली बात तो देखिए इस बार जो अभी ऑस्ट्रेलियाई ओपन हुआ है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन हुआ है, दो नाम तो मैंने बता दिए विनर के, सिंगल्स मेन और सिंगल्स वीमेन में। उसके अलावा भी एक नाम जो भी हाईलाइटेड और हुआ है वो है कैरोलिन, कैरोलिन वोजनियाकी का, वोजनियाकी। क्यों हाईलाइटेड हुआ है? क्योंकि ये जो वर्ल्ड नंबर वन खिलाड़ी हैं, एक तो पहले तो आप लोग ये जान लो वर्ल्ड नंबर वन खिलाड़ी हैं, डेनमार्क की हैं। ठीक है, इन्होंने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है ऑस्ट्रेलियाई ओपन में, ये जैसे ही हारी हैं वैसे ही इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। और उसके बाद सबसे पुराना अच्छा कौन सा ग्रैंड स्लैम है, वो है विम्बलडन, विम्बलडन सबसे पुराना है। और उसके बाद ये मतलब 1877 में स्टार्ट हुआ था, 1877। उसके बाद है यूएस जो 1881 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद आता है फ्रेंच जो 1891 में स्टार्ट हुआ था, और सबसे लास्ट में जो अभी हुआ है ना ऑस्ट्रेलिया ओपन वो स्टार्ट हुआ था, वो था 1905 में। ठीक है, और अभी तक सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीत रखे हैं, वो जीत रखे हैं रोजर फेडरर ने, जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीत रखे हैं। वो किस देश के हैं? रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं। ठीक है, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं। सेकेंड नंबर पे जो इस बार के विनर हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन के, नोवाक जोकोविक, वो हैं जिनको 17 ग्रैंड स्लैम अब तक मिल चुके हैं। ये किस देश के हैं? ये हैं सर्बिया के, सर्बिया के। ठीक है, देखिए मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे भी आपको सब कवर करा दिया है। चाहो तो मैं एक चीज़ और बता दूँ कि 2019 के विनर कौन है, क्योंकि अभी केवल ऑस्ट्रेलियाई ओपन ही इस साल हुआ है, एग्जाम में हो सकता है 2019 का पूछ सकता है, बिल्कुल उनका हक बनता है पूछने का। तो मैं आपको बहुत आसानी से देखो यहाँ पे बता दूँ कि आप लोग को कहीं सीक्वेंस याद हो गया है तो बस मान लो आपको वो भी याद हो गए हैं कि कौन कौन जीते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन इस बार कौन जीता है? जोकोविक, है ना, आपको पता है जोकोविक। लास्ट ईयर भी जोकोविक ही जीते थे, सिंपल याद। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, राफेल नडाल, राफेल नडाल किस देश के हैं? ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। बस देखिए जोकोविक नडाल, फिर जोकोविक और फिर नडाल, बस ये सीक्वेंस है। और देखिए 2019 का जोकोविक, जोकोविक फिर नडाल, फिर जोकोविक फिर नडाल, और उसके बाद फिर जब 2020 स्टार्ट हुआ तो फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, तो फिर देखिए जोकोविक जीता इस साल। ठीक है, देखिए इस तरह आपको याद हो गया होगा, देखिए बहुत इजी था। चलिए आज के सेशन में यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर आंसर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एग्ज़ाम बहुत पास है, उनकी भी तैयारी और अच्छी हो पाए तो ये आपका भी कर्तव्य बनता है, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।